तो पहले चरण का मतदान लोकसभा के लिए पूरा हो चुका है। 102 सीटें जिन पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि इस दौरान खासतौर पर जो वोटर टर्नआउट देखने को मिला वो अपने आप में कुछ सवाल छोड़कर गया है। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। और 1660 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 77% से ज्यादा वोटिंग हुई, त्रिपुरा में 76% से ज्यादा वोटिंग हुई, और अगर सबसे कम वोटिंग की बात की जाए तो बिहार में हुई, जहां ये 46% से बस थोड़ी ज्यादा रही। 21 राज्यों में अगर वोटिंग के एवरेज की बात की जाए तो ये 60% से ज्यादा का रहा। लेकिन ऐसे में कुछ राज्यों में ज्यादा मतदान हुआ, कुछ में कम हुआ, जैसे कि अभी आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। तो जहां बम्पर वोटिंग हुई, किसे फायदा हुआ? पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग का मतलब क्या निकाला जाए? एक जमाना था जब हाई वोटर टर्नआउट को जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट होती थी, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती थी, उसके खिलाफ मैंडेट माना जाता था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई और चुनाव दर चुनाव हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी, जो टर्म एंटी इनकम्बेंसी यूज की जाती थी, वो नरेंद्र मोदी का टाइम में प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो गई। तो इसीलिए इन आंकड़ों को जानना और समझना आज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इस फेज में असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी और कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान कहीं बम्पर वोटिंग हुई तो कहीं वोटरों में जोश कम देखने को मिला। वहीं कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से लेकर मेघालय में बम्पर वोटिंग देखने को मिली, तो वहीं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में वोटरों में जोश देखने को मिला। इसके अलावा तमिलनाडु और उत्तराखंड की सभी सीटों पर अच्छी वोटिंग हुई। ऐसे में सवाल यह है कि बम्पर वोटिंग से फायदा किसे होने वाला है? पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग का मतलब क्या ममता सरकार के खिलाफ मतदाताओं का आक्रोश है या फिर ममता को इसका फायदा मिलेगा? त्रिपुरा में भी बम्पर वोटिंग हुई है तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या उसको नुकसान होगा? इस बारे में राजनीति के जानकारों की माने तो आमतौर पर बम्पर वोटिंग या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि लोग मौजूदा सरकार को बदलने के लिए अधिक वोट करते हैं। अधिक वोटिंग प्रतिशत को सरकार बदलने का पर्याय माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में ये ट्रेंड बदला है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के आंकड़ों को देखें तो अधिक वोटिंग प्रतिशत के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। 2014 में 66.4% के मुकाबले 2019 में 67.3% वोट पड़े थे, बावजूद इसके केंद्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हर कोई अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी खोज रहा है, कोई प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज की पोलिंग जिस तरह से आज पूरा दिन गया है, इसको बारीकी से समझाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। अखिलेश यादव एक तरफ ये कह रहे थे कि पहले दिन बीजेपी का फ्लॉप शो देखने को मिला। उन्होंने तो वोटर को बधाई तक दे दी कि उसने इंडी अलायंस को वोट किया है, ये कहते हुए। ऐसे में किसके साथ वोटर गया है ये स्पष्ट तौर पर कह पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। फैसला 4 जून को आएगा, लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। उससे पहले ये जो सियासी वार पलटवार हुआ ये देखिए। ये जो दिल्ली वाले हैं, कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं,
अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे इस समय पर निवेदन अपील करने आया हूं कि पहली बार ये लोकसभा इतिहास बनाने जा रही है। भाइयों और बहनों, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा पहले कोई बिजनेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती थी। ब्याज से पैसे लाएं तो बाल ही न बचे, यह हाल हो जाती थी। मोदी ने मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। अब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपया कर दी जाएगी। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने श्रीनगर सीट से जरा, मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो होम मिनिस्टर अमित शाह को भी आपने सुना, उनके द्वारा नॉमिनेशन अपना फाइल किया गया और उसके बाद उनकी जोधपुर में भी बड़ी रैली हुई जिसमें उन्होंने अपना बही खाता पेश करने की, मोदी सरकार का बही खाता पेश करने की बात कही। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो कौशल कांत मिश्रा, अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं पहले दिन बीजेपी का फ्लॉप शो और वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। अदिति जी देखिए, अगर विपक्ष और अखिलेश जी ये सोच करके कि वोटिंग परसेंट पे उनका ध्यान जाता और उन्हें लगता है कि वोटिंग कम हुई और उन्हें उस पर खुशी हो रही, तो इससे यही तरस आता है विपक्ष के ऊपर कि ये लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते होंगे और उनके मुंह से क्या निकला। दिल्ली वाले और लखनऊ वाले ये हमेशा बांटने की बात करते हैं, अपने आप को लखनऊ वाला बोला और मोदी जी को दिल्ली वाला बोला। अरे दिल्ली में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी देश के हर जगह का, हर कणकण का है और इन्होंने हमेशा से यही बांटो और राजनीति करो, राज करो की सत्ता चलाई है। इसी वजह से आप देखिए आज फिर वो डीएनए में इनके है कि किसी तरीके से बांटो और राज करो। एक तरफ बांटने की बात चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एनडी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की बात चल रही है। अदिति जी, फैक्चुअल हम बात करते हैं, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। आप देखिए, जो भी कांग्रेस या एनडी गठबंधन के आज के शासित प्रदेश रहे हैं वहां पर सरकारें चेंज हुई हैं और जो मोदी जी के नेतृत्व में स्टेट गवर्नमेंट हैं और वहां पर सरकारें रही हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्चुअल बताता हूं, गुजरात में 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, विधानसभा के इतिहास में इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं हुई है। 182 में से 156 सीटें जीती, 85% का सक्सेस रेट। मध्य प्रदेश पे आइए, 5वीं बार सरकार बनी। सर, असेंबली इलेक्शंस की बात मैं आपसे नहीं कर रही सर, और पहले भी हमने देखा है लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस की तुलना नहीं की करनी चाहिए क्योंकि आंकड़े कुछ इस तरह की कहानी बयां करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जो लो वोटर टर्नआउट की बात कही जा रही है कुछ राज्यों में, खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में, यूपी में भी उतना हाई नहीं है, उत्तराखंड में भी उतना हाई नहीं है, ऐसे में आप ये बताइए इससे किसको फायदा होता दिखाई दे रहा है, इसे क्या माना जाए? वोटर में उतना उत्साह क्यों नहीं दिखा जितना वेस्ट बंगाल में दिखा, त्रिपुरा में दिखा या दूसरे राज्यों में दिखा? देखिए, ऑन एवरेज हर आदमी इस चीज को अपने अपने फायदे के लिए कहेगा,
सत्ता पक्ष कहेगा कि ये हमारा फायदा हो रहा है और विपक्ष कहेगा हमारा फायदा। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 जून को 400 पार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और जो आपने कहा लोकसभा और विधानसभा में, उसके भी आंकड़े दे देता हूं। आप देखिए जिस तरीके से 2014 में के पहले 25% हिस्सों पर करीब करीब भाजपा और एनडीए का शासन था, आज 58% हिस्सों पर एनडीए की सरकार बनी हुई है। आप ये समझिए कि पहले अगर लोकसभा की बात करें तो भाजपा की कुल 136 सांसद थे जो जिनका 50% से ज्यादा वोट था, जो 2019 में बढ़कर के 224 हो चुके जिनका 50% ज्यादा। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल साइंटिफिकली देखें तो एनडीए और बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा हो या विधानसभा हो वो बढ़ता जा रहा है। इवन यहां तक समझिए कि जब वेस्ट बंगाल में जहां 2 सीटों से हम कहां पहुंच गए, आप उसी तरीके से देखिए नीचे साउथ इंडिया में देखिए, साउथ इंडिया में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन अगर लोकसभा के सांसदों का नंबर देखें तो साउथ इंडिया 4 स्टेट में एनडीए के टोटल सांसद जहां तक इंडी गठबंधन उनसे ज्यादा हैं। और इस इलेक्शन में आप देखिएगा जिस तरीके से तमिलनाडु में हमारे काम हुए हैं, जिस तरीके से तमिल काशी का संगम हुआ है, जिस तरीके से विरासत के साथ विकास की बात की जा रही है, जिस तरीके से फ्रजाइल चलिए ठीक है, आप अभी भी उसी 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 अगले बात कर रहे हैं उसे उसी इलेक्शन मोड में। एक सेकंड शुभ्रांश राय, ये जो वोटर टर्नआउट है किसे फायदा किसे नुकसान? सोनिया गांधी इज ऑन बेल, पी चिदम्बरम इज ऑन बेल, कार्तिक चिदम्बरम इज ऑन बेल, संजय सिंह इज ऑन बेल, टीएमसी लीडर्स आर ऑन बेल, केजरीवाल इज इन जेल। अभी मैं किसी चैनल पे देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि बिहार में 4 बजे ही चुनाव बंद कर दिया गया है। अब ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र का समय जो 5 बजे निर्धारित है उससे 1 घंटा पहले ही चुनाव बंद कर दिया गया। रही बात ये, लोकतंत्र में 100% मतदान होना चाहिए, लेकिन अगर आज देश का युवा जो अपनी बेरोजगारी और अपने हताशा के कारण घर बैठा है और वो मतदान करने नहीं आए, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार है। वो किसान जो अपनी हताशा के कारण वोट देने नहीं आया, जो अपनी MSP की मांग कर रहा है, उसके लिए भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमिल संगम कर लेने से अगर किसानों को उनके खाद्यान्न और उनके अनाज की कीमतें मिल जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगी जहां आज चुनाव था, अगर एक वहां का बहुत बड़ा समग्र तबका राजपूतों का, उनके साथ ऐसी जातीय बात की गई थी जिसके कारण वो समाज, वो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोटर और सपोर्टर सिर्फ उनके कुछ चंद नेताओं के ख्याली भाषणों की वजह से अगर उनके खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और आप मानिए अदिति, 2024 का चुनाव कुछ मामलों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन लोकप्रिय नेता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इस देश में बेरोजगारी है तो उसकी जिम्मेदारी भी लोकप्रिय नेता की है। अगर इस देश में बेटियों के मान का मर्दन किया जा रहा है, अगर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, हाथरस में बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी के कंधे पे होगी, क्योंकि लोकप्रियता का उनका ये जवाब इस पे कौशलकांत मिश्रा से लेंगे। शुभ्रांश जी ने जो सवाल उठाया उस पर सबसे पहले तो डॉक्टर कौशलकांत मैं आपका जवाब चाह रही हूँ, जो इन्होंने सवाल उठाया था उस पर जवाब, महिलाओं को लेकर ये सवाल पूछ रहे थे, किसानों को लेकर ये सवाल पूछ रहे थे। अदिति जी सबसे पहले तो बताना चाहूंगा शुभ्रांश राय जी तो पढ़े लिखे आदमी है, अगर 52 के इलेक्शन में देखें तो 48% वोटिंग थी, 62 में 49% थी, 71 में 50% थी, 80 में 52% थी, 91 में 60% थी, 2004 में 65% थी और 2014 और 19 में 68% और 67% थी। तो जिस तरीके से वोटिंग बढ़ रही है, तो इस तरीके से यहां आके ये कहना कि अगर वोटिंग कम हो रही है तो सरकार जिम्मेदार है, तो जैसे जैसे देश का नागरिक, देश का युवा साक्षर होता जा रहा है, वैसे वैसे इंडी गठबंधन और कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, जैसे जैसे उसमें जागरूकता आ रही, जैसे जैसे उसको समझ में आ रहा है कि विकास किस तरह डायरेक्शन में चल रहा, वैसे वैसे कांग्रेस खत्म होती जा रही। सच्चाई ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें बढ़ रही हैं, और उनका जिस तरीके से एजुकेशन बढ़ रहा है उस तरीके से और अच्छी वो सरकारें चुन के ला रहे हैं। तो पहले तो फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए। अब जहां तक रही महिलाओं की बात, जब ये महिला की बात करते हैं तो इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं याद आती है, और अभी आपने देखा जिस तरीके से कर्नाटका में एक महिला के साथ हुआ और कांग्रेस के लीडर की लड़की थी उसके साथ जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद वो कांग्रेस का लीडर आकर के, जबकि
उसका नाम फयाज या क्या नाम बताया है, पुलिस में है, उसने कहा अननोन आदमी ने। तो जिस तरीके से महिला के ऊपर भी ये राजनीति करते हैं, महिला भी वो कांग्रेस की है या बीजेपी की है या किसी की है, इसके ऊपर ये राजनीति करते हैं। जब ये बंगाल के संदेश खाली को भूल जाते हैं और मणिपुर की बात करते हैं तो लगता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पहले जवाब दीजिए शुभांश राय से, ठीक है सर प्लीज, उसके बाद मुझे सुनील मिश्रा को फ्लो देना प्लीज जल्दी से। शुभांश जी 30 सेकंड्स है सर। मान्यवर, बलात्कार मणिपुर में हो, बलात्कार हाथरस में हो, बलात्कार में कुलदीप सेंगर हो, बलात्कार में नित्यानंद स्वामी हो या बंगाल हो, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी महिला के साथ और बेटी के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चुप्पी साधते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में कहा जाता है कि दही को हाथ में लेकर बैठे हैं क्या, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री दही को मुंह में जमा लेते हैं। और रही बात आपने जो युवाओं के शिक्षा का कहा, मान्यवर मुझे दुख तो आप पे भी हो रहा है कि आप शिक्षित हैं फिर भी अगर आप इंडिया को इंडी इंडी कह रहे हैं तो अब आपका ही दुर्भाग्य है, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंतजार करिए, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, हवाबाजी जुमलागिरी बार बार नहीं चढ़ती है, आज आपकी विदाई शुरू हो गई है, मंत्रालयों में आग लगना शुरू हो गया, अभी हमने 2 दिन पहले देखा था आग लगते हुए, एक निशानी है। 4 जून को आप सबकी विदाई तय है। चलिए ठीक है, किसकी विदाई है, किसका स्वागत है, सुनील मिश्रा जी उनको जरूर सुब्रान जी को लाइएगा। ठीक है सुनील मिश्रा, ये जो वोटर टर्नआउट है ये किसके फायदे में और किसे नुकसान पहुंचाता हुआ, क्योंकि हमने लास्ट 10 ईयर्स में स्पेशली बात करें तो प्रो इनकम्बेंसी से जुड़ा हुआ एक नया ट्रेंड देखा है। अतिथि जी ये थैंक यू सो मच। जो है सबसे पहली चीज तो आज मैं महाराष्ट्र में खुद हूँ, कई जगहों पे था, 2 चीजों से आप समझिए क्या है। हिंदी भाषी बेल्ट में अगर आप बात करें, बिहार की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप में पोलिंग कम हुई है। उत्तर प्रदेश में भी देखें तो तुलनात्मक रूप में पोलिंग कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं दिख रही है, अपलिफ्ट नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज्यादा प्रभाव इस बार दिख रहा है वो हिंदी बेल्ट पे दिख रहा है। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की स्कीम रही हो, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, 370 रहा हो, या जो भी सो कॉल्ड इलेक्शन कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की रही थी, ऐसे कंडीशन में अगर हिंदी हार्टलैंड में कहीं ना कहीं वोटिंग कम हो रही है तो इसके 2 मतलब निकलने चाहिए। सबसे पहला मतलब तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो हिंदी हार्टलैंड का मतदाता है वो ये मानकर बैठ गया है कि 400+ तो आ ही रही है सीटें, मैं मतदान करने नहीं जाऊंगा तो मोदी जी चुनाव थोड़ा हार जाएंगे। ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि अगर यह परसेप्शन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सतर्क होने की जरूरत है। 2004 का लोकसभा चुनाव याद करिए, जहां पे हम इंडिया साइनिंग की बात कर रहे थे, वहां पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां पे लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो दोबारा आ ही रही है। तो एक बड़ा मेट्रो सिटी की बात करें या बीजेपी का जो कोर मतदाता था वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचा कि चलो ठीक है और लोग मतदान कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो प्रारंभिक दौर के रुझानों में देख पा रहा हूं, अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें, तमिलनाडु में देखें, एक्सपेक्टेड वोटिंग हुई है, अर्थात जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है प्रदेश में वहां पे मतदान सही हुआ है या तुलनात्मक रूप में थोड़ा ज्यादा हुआ है। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में अगर मतदान घट रहा है इसका मतलब वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपने वेस्ट बंगाल की बात की, लेकिन एक मिनट आती जी, इसका मतलब ये निकाला जाए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक जो एक इमोशनल स्लोगन है या कहीं ना कहीं कैटालिस्टिक वे मैनेजमेंट है कि 400+ को नुकसानदायक न साबित हो जाए। नहीं नहीं, एक हमारे व्यूअर्स के लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा कि हम इस कंक्लूजन पर कैसे जा रहे हैं कि बीजेपी का ही वोटर नहीं निकल रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स तो अभी आए नहीं है, काउंटिंग अभी है नहीं। मानकर चलिए तुलनात्मक रूप में आप देखेंगे वो शहरी मतदान क्षेत्र हो या ग्रामीण मतदान क्षेत्र, जो बीजेपी का वो कास्ट अर्थमेटिक्स को देखकर चलने, उनकी फिलॉसफी को समझने वाला जो वोटर्स है वो कंपैरेटिवली क्या करता है, उसे लगता है कि अगर उसका उम्मीदवार जीत रहा है तो मैं क्यों जाऊं। उसे लगता है कि ऐसी परसेप्शन बनी, उसे तब लगता है कि जब कुछ परिवर्तन करना है, उसे ऐसा लगता है कि जब 2014 में मोदी जी को पहली बार लाना था तो वो क्या करता है, आक्रामक होता है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, नहीं तो लगता है कि ठीक है आज तो छुट्टी है हम आराम कर लेते। ये जो मैंने पिछले 10-15 साल में इलेक्शन को समझने की कोशिश की है, बीजेपी के वोटर्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है, उसके आधार पर कह सकता हूं। ठीक है, इस पे कौशलकांत मिश्रा आपका जवाब सर। ये कह रहे हैं बीजेपी के वोटर को आपने पहले ही बोल दिया है कि 400 पार जा रहे हैं हम, उसमें एक फटीग आ गया है। देखिए जैसा कि मैंने आंकड़े के साथ गिनाया कि जैसे जैसे इलेक्शन दर इलेक्शन वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है, और मेरे दोस्त की बात से मैं एग्री करता हूं कि जहां पर भी जनता थोड़ी रिलैक्स हो जाती है वहां पर सरकार के लिए दिक्कत होती है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार से मतदान कम नहीं हुआ है, लगभग उसके बराबर हुआ है या उससे ज्यादा ही हुआ है इस बार के आंकड़ों में, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आने वाली है।
और जहां तक रही वेस्ट बंगाल की बात देखें या तमिलनाडु की बात देखें, जहां पर हमारी सरकार नहीं है, वहां पर जिस तरीके से मतदान का परसेंटेज पहले से काफी ज्यादा हुआ है, आप मणिपुर को देख ले, वहां पर भी परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहां पर मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोग मतदान करेंगे लोकतंत्र के लिए उतना बेहतर है। और हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने काम करके दिखाया है, हमने विकास का मॉडल दिखाया है, हमने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मॉडल दिखाया है, हमने अगले 5 साल में अगले 25 साल की बात की है और 1000 साल के भारत के भविष्य की बात की है। हमने तूतू मैम वाली राजनीति नहीं की है, हमने ये नहीं कहा कि मुझे 5 साल के लिए बना, मुझे ये नहीं बत कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जब उनका फायदा होता है, जब उनकी सरकारें बनती है, उनकी सरकारें जीत करके आती है, तो लोकतंत्र सही हो जाता है, ईवीएम सही हो जाती है और ठीक है, जल्दी से शुभ्रांश राय, जब उनके खिलाफ होता है तो लोकतंत्र ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब आप राजनीति ठीक है, आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, आप डराने वाली राजनीति करते हैं। शुभ्रांश राय, मतलब अगर इस देश में युवा अपने नौकरी की बात करता है तो वो डराने, वो लोकतंत्र खतरे की बात करता है। अगर इस देश का किसान कहता है कि मेरे अनाज पे मुझे MSP दिया जाए तो उसको दिखता है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्यों, हम मांग नहीं कर सकते यार? किस काम के लिए हमने आपको वहां पे बुला के रखा था? ये 300 सीटें क्या इसलिए दी गई थी कि आप दिन भर में सिर्फ लंबी लंबी बातें करें? सिर्फ इसलिए दिया गया था कि पापा ने यूक्रेन वॉर रुकवा दिया? इसलिए नहीं दिया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा आपने किया था, 20 करोड़ नौकरियां दीजिए? या आपने ये जो एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए कहा कि किसानों के फसलों पे लागत बहुत ज्यादा है, 70 रुपये लीटर का डीजल 100 रुपये हो गया, आपने नहीं कहा था कि हम उनके अनाजों पे MSP देंगे? हम सब किसान के बच्चे हैं, हमें लगता है कि जितनी महंगाई है यूरिया डबल रेट पर होगा, ये आपने नहीं कहा? ठीक है, मेरे पास वक्त का अभाव है, 20 सेकंड्स है कौशल कांत जी, मुझे क्लोज करना है शो, प्लीज जल्दी। आज देखिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की बात करें, एम्स की बात करें, IIT की बात करें, IIIT की बात करें, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुली है, आंकड़े ये कहते हैं। जिस तरीके से जिस स्पीड और स्केल से काम हो रहा है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरह से पांचवी अर्थव्यवस्था बनी और तीसरी बनने की बात हो रही है, वही इंडी गठबंधन वाले 32 तक। सुनील मिश्रा, क्लोजिंग कमेंट आपका, क्या ये बीजेपी के वोटर के लिए वेकअप कॉल है? 20 सेकंड्स है मेरे पास। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए वेकअप कॉल है कि कहीं ना कहीं अगर जनता में यह सिंपैथी नहीं जाती है कि मोदी जी के लिए चुनाव दिक्कत हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स अगर मैदान में आकर पिछले ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए वोटिंग ट्रेंड को नहीं बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को सेट नहीं कर पाती है अगले फेज के इलेक्शंस में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके वोटर्स को लग रहा है कि मोदी जी या अमित शाह अगर कहते हैं 370 350 320 पार तो हो ही जाते हैं, तो इस बार 400 कर रहे हैं तो 400 हो ही जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, आप इसे वेकअप कॉल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।